रिमिटेंसेस, उसी वाई बस का अगर इन्वर्स ले लिया जाए तो एक किस्म के अखबार जो एंटिटीज आएंगी तो उनका यूनिट होगा ओम, जेड बस होगी। लेकिन ये जेड बस जो बनती है ये उसमें सिंपल आपकी जो इंपीडेंसेस की वैल्यूज हैं वो अपेयर नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिकली वही नोडल एनालिसिस ही है, नोडल एनालिसिस जो आप अप्लाई करते हैं जो सर्किट प्रोसेस, उस नोडल एनालिसिस में जो आप वाई की टर्म या एडमिटेंस की वैल्यू देते हैं तो पूरे का मैट्रिक्स का इन्वर्स है, किसी इंडिविजुअल जो एडमिटेंसेज हैं उनका इन्वर्स नहीं है। अगर इंडिविजुअल एडमिटेंसेज का इन्वर्स होता तो फिर तो ये आपकी एक्चुअल इंपीडेंसेज जो सर्किट में मौजूद, ये इनफैक्ट इंडिविजुअल वो नहीं है रेसिप्रोकल ऑफ जो वैल्यूज, बट रादर इट्स कलेक्टिव इनवर्स ऑफ योर मैट्रिक्स, ठीक है। सो वाई बस जैसे सिमेट्रिक है तो इसी तरह सिमेट्रिक अराउंड द प्रिंसिपल डायगोनल, दैट बस मस्ट आल्सो बी सिमेट्रिक। बस मैट्रिक्स एडमिटेंस मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी डिटरमिन्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट बस, डायरेक्ट भी हो सकता है ये वो इस चैप्टर में या इस बुक में आगे भी लिखा हुआ है। इंपीडेंस एलिमेंट ऑफ द जेड बस ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल आर कॉल्ड द ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस ऑफ द बसेस, एंटिटीज हैं उनको हम क्या कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंसेस, व्हाइल द ऑफ डायगोनल आर कॉल्ड द ट्रांसफर इंपीडेंसेस ऑफ द बसेस। द बस इंपीडेंस मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल इन मेकिंग फॉल्ट कैलकुलेशन। तो वाई बस की एप्लीकेशन थी पावर फ्लो एनालिसिस या लोड फ्लो एनालिसिस जिसको आप कहते हैं, और जेड बस या बस इंपीडेंस मैट्रिक्स की एप्लीकेशन है इन योर फॉल्ट कैलकुलेशन, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ था प्रायर टू फॉल्ट। फॉल्ट की तरफ हम बुक करेंगे तो फॉल्ट एनालिसिस से पहले आपको बस इंपीडेंस मैट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरियस इंपीडेंसेस इन द मैट्रिक्स वी कंपेयर देम विद द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, so we can easily do by solving the equation as a particular of the bus as you have given I is equal to y bus into v. If you multiply y bus inverse on both sides, three multiplication, then you will see that on the left side it will be y bus inverse I is equal to y bus inverse y bus into v. So y bus inverse the y has, that will become identity, but on the right side, the left side, it will become z bus. So now this is given as v is equal to z bus into I. So we must remember when dealing with z bus that v and I are the column vectors, voltage or current jo hai unke vectors column. So the current entering at the buses from the current sources respectively. Agar isko expand kiya jaye hum three buses ka ek network assume karte hain, usme teen voltages honge aur hum assume karte hain teen currents hain which are coming into the buses. You will get this kind of equations. So V1 will be equal to Z11 I1 Z12 I2 plus Z13 I3. What does it mean? That the first row is the current vector column, and then you will get the V1 value. Voltage of the bus 1 can be obtained by multiplying the first row of the Z bus to the current vector column. Similarly, V2 that can be obtained by multiplying the second row of the Z bus to the vector column of current. So you may get any voltage, any bus voltage multiplying the Z bus row of that particular bus to the current vector column, right? So इससे आपको direct calculation भी मिल जाएंगी. Let's try to solve it. अब ये हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है जिसमें हमारे पास इंपीडेंसेस गिवन है J.1, J.2, दीज आर ऑल इंपीडेंसेस. तो बस वन और बस टू पे आपके जनरेटर कनेक्टेड हैं वाया ट्रांसफॉर्मर, जबकि जनरेटर जो बस थ्री है उस पर कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है. इंपीडेंसेस इन सब की गिवन है. इंपीडेंसेस से आप क्या लेंगे एडमिटेंसेस, या एडमिटेंस से पहले आप इसको एक वो बना लें डायग्राम, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर हैं दीज आर इन सीरीज विद जनरेटर. तो J.1 ऑन द लेफ्ट साइड इट विल एडेड एंड इट विल बिकम J.2
while on the right side it will be J.2, J.2, which will become J.4, and all other are the impedances given between the buses. Now to take the Y bus or the bus admittance matrix, what do you need to do? You will take the reciprocal of all these impedances. You will convert them into admittances, and then you will solve it for Y bus. And that will be the Y bus. Can you verify this Y bus? Roll number 31. Are you here? Roll number 35. Okay, आप जो इंपीडेंस देख रहे हैं बिटवीन बस वन एंड बस टू, उसका अगर रेसिप्रोकल लें तो क्या आंसर आएगा? ये वाई बस का रेसिप्रोकल जेड बस होता है. मैंने कहा है बस वन और बस टू के दरमियान जो इम्पीडेंस कनेक्टेड है उसका अगर आप रेसिप्रोकल लें तो क्या वैल्यू आएगी? हाँ जी, रोल नंबर 7, आप बताएं. -J 1.25. It will be the admittance between bus 1 and bus 2. Y bus में ये 1-2 position पे आएगी with minus sign. Minus minus cancel हो जाएगा and you will get J 1.25, which is written in the Y bus. Similarly, you can verify all other values as well. ठीक है, so roll number 8. आप बताएं Y11 कैसे कैलकुलेट होती है? How do you calculate Y11, the diagonal element of row 1? Roll number 8. Are you here? Sir, yes. हाँ जी, बताएं जरा. सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं तो पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूँ, इसको मतलब आपको आवाज आ ही नहीं रही. हेलो, आपको पिछले 15 मिनट से कोई आवाज नहीं आ रही. सर मेरे सिग्नल इशू है. रोल नंबर 2. यस सर. हम क्या बताएं Y11 कैसे कैलकुलेट होगी, ये वैल्यू कैसे आई है? तो Y बस में लिख लीजिए. तो ये जो जनरेशन की इंपीडेंस होगी जनरेटर की, जनरेटर की इंपीडेंस तो ये वाली नहीं, तो यहाँ 1-1 में गलत वैल्यू लिख लीजिए. जनरेटर की तो 0.1 थी, ट्रांसफार्मर की 0.1 थी, उन दोनों को मिला के J.2 हो गई. फिर 1-1 पे तो J.2 का अगर आप ऐसे प्रूव कर लें तो इट बिकम -J.5, तो इट शुड बी -J.5 ऑन 1-1. तो 1-1 पे गलत लिख रही है वैल्यू.
मिड में एक दूसरे की कॉपी करके भी आप लोगों को अभी तक समझ नहीं है कि आप लोगों ने क्या किया है। पहले कॉपी करते वक्त ही समझ कर लिया करें, ये हालत है आप लोगों की। जिन लोगों ने अभी तक सही जवाब नहीं दिया, मेरे ख्याल में मुझे उनके रोल नंबर नोट कर लेने चाहिए और उनके जवाब मुझे कंसीडर भी नहीं करने चाहिए। सही है ना? हाँ जी, दो नंबर टू का तो हो गया मामला साहब। नेक्स्ट दो नंबर 28 Y11 को वेरीफाई करने की कैसे वैल्यू आई है? रोल नंबर 28 आर यू हियर? एब्सेंट मार्क करूं आपकी। मेरी टोपी कौन सा है? जीरो फाइव। यस सर। हाँ जी, ये आपको Y11 नजर आ रही है? यस सर। तो वेरीफाई करें ये वैल्यू कैसे आती है। ठीक है सर। नहीं बताएं ओपन, ये आप मुझे बताना है, सब सुनेंगे। हाउ डू यू कैलकुलेट दिस वन? गलत लिख रही है या सही है? सर जो वन बस के साथ जो वो इम्पीडेंस कनेक्ट है उसको एडमिटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो एडअप करेंगे तो आ जाएगी 8.75। वेरीफाई करके बताएं वन के साथ कौन कौन सी लगी है, रेसिप्रोकल है उनका। सर एक 0.8, 0.4, 0.2 इनको इन्वर्ट करेंगे एडमिटेंस आएगी, ऐड करेंगे सर। ठीक है, 0.2 को अगर इन्वर्ट करें तो क्या आंसर आता है? सर एक मिनट कैलकुलेटर ले। अब इतना भी मुश्किल नहीं है, 0.2 को इन्वर्ट करो 5 आता है, माइनस जे 5। 0.8 को इन्वर्ट करें तो भी माइनस जे 1.25 और 1 से 3 के दरमियान है उससे आंसर आएगा माइनस जे 2.5। If you add all these without changing their sign, answer will be minus J8.75. अब जिसने खुद किया था पेपर उसको जवाब दे सकता है, अब जिन्होंने खुद पेपर नहीं किया था कॉपी किया था तो उनके हाल मुझे नजर आ रही है। रोल नंबर 2, रोल नंबर 7, इन दोनों के तो मैं ये वाला जो बस रिलेटेड आंसर था उस पर 0 लगा रहा हूँ। आई विल मार्क देम इक्वल टू कॉपी। उसके इन्वर्ट से Y22 आना था और Y33 आना था 3 के साथ जो तो जेड बस में हमने अभी तक जो तरीका का पढ़ा है टू कैलकुलेट जेड बस, दैट इज इनवर्स ऑफ वाई बस। अब वाई बस का इनवर्स लें एंड यू विल गेट दी जेड बस। तो हियर इज द आंसर ऑफ जेड बस। अब जेड बस का जो ये आंसर है इसको जरा देखें, जे 0.16 एट जेड 11, जेड 12 जे 0.08, जेड 13 जे 0.12। अब इसका क्या आप लिंक बना सकते हैं विद जो ओरिजिनल सर्किट? कैसे लिंक है इसका, उसकी वैल्यू जो लिखी हुई है पहले इनपुट Y11 वो किधर से है? 0.16 तक Y बस जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स लेना है, मैट्रिक्स का इनवर्स। अच्छा, Y बस इनवर्स इज इक्वल टू Z बस। आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया है, तो हम जो इक्वेशन पढ़ते आए हैं आई इज इक्वल टू वाई बस इंटू वी। तो वाई बस जो है उसको अगर आप दूसरे साइड पे ले जाएं तो उसका बन जाएगा वाई बस इनवर्स।
and the equation will be converted into V is equal to Z bus into I. So Z bus is the inverse of Y bus, right? अब Z इस Y bus का inverse आप लेंगे तो इससे जो values आ रही हैं वो ये हैं. अब मेरा सवाल ये है कि इस Z bus का आपके जो original आपका given है जो circuit जो network उसमें values given है impedances में, क्या उस आपको link नजर आ रहा है? कोई link देख के आप बता सकते हैं कि ये कैसा link है? क्या आप देख के इसे Z bus बना सकते हैं? सर नहीं बनती मेरे ख्याल सर, वो 0.14 आता है अगर बनाए भी तो. ठीक है, वो बनेगा भी नहीं. यही तो आप मैं समझाना चाह रहा था कि वाई बस जो है वो बाय इंस्पेक्शन बन सकती है. वाई बस जो है वो एडमिटेंस वैल्यू से डायरेक्ट आप कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जब आप जेड बस ले रहे हैं तो जेड बस एक कलेक्टिव मैट्रिक्स का इन्वर्स है, ये इंडिविजुअल वैल्यूज का इन्वर्स नहीं है. अब इंडिविजुअल वैल्यूज का इन्वर्स होता तो फिर कहीं ना कहीं आपको लिंक बन जाता है. जेड बस का एज इट इज कोई लिंक नहीं है. लेकिन अब मैं आपको जो अगली बात समझाने लगा वो समझिएगा. बस वन है उसका कनेक्शन होगा विद ग्राउंड, जो आपको सोर्स नजर आ रहे हैं ऊपर वन के ऊपर से, वो इनफैक्ट कनेक्टेड हैं ग्राउंड से. इस नेटवर्क में अगर आप वन से जीरो के दरमियान, वन से रेफरेंस के दरमियान अगर थेवेनिन इंपीडेंस लेना चाहें, डू यू रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट थेवेनिन इंपीडेंस? तो थेवेनिन इंपीडेंस के लिए आप क्या करते हैं, आप पूरे नेटवर्क की जो इंपीडेंसेस हैं उनको कन्वर्ट करते हुए सॉल्व करते हुए उन दो नोड्स के ऊपर लेकर जाते हैं. ठीक है, और नोड्स पे सिर्फ एक इंपीडेंस इंडियंट बढ़ जाती है विच इज कॉल्ड द जेड इक्विवेलेंट और द जेड थेवेनिन. जो आप जेड थेवेनिन लेंगे वन और जीरो के दरमियान, दैट विल अपीयर ऑन जेड वन वन. द जेड वन वन वैल्यू J.16 इज द थेवेनिन वैल्यू बिटवीन बस वन टू द ग्राउंड. सिमिलरली J.24 that is the Thevenin impedance between one and bus 2 and ground. Similarly J.08 so that is the Thevenin impedance between bus 1 to 2. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बनता है या तो आप वाई बस का इनवर्स लेके बनाएंगे. एक और तरीका भी है कि आप हर दो नोड्स के दरमियान थेवेनिन इंपीडेंस ले लें. थेवेनिन इंपीडेंस लेना हर दो नोड्स के दरमियान एक मुश्किल टास्क है. आप पहले वन और जीरो के दरमियान लेंगे, फिर वन और टू के दरमियान लेंगे, फिर वन और थ्री के दरमियान, थ्री और टू, टू और जीरो. तो देर आर ऑलमोस्ट सिक्स एंटिटीज के सिक्स टाइम तो आपको हर दफा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा. तो वाई बस का इन्वर्स ले लें. ठीक है, तो ये इसका जेड बस का तरीकेकार है. जेड बस अब इसकी अहमियत भी यहाँ पर नजर आ रही है. इस बात को आप याद रखिएगा कि जेड बस में जो वैल्यूज हैं दे आर द थेवेनिन इंपीडेंसेस. ठीक है, अब इसको डायरेक्ट यानी विदाउट टेकिंग वाई बस ये बगैर भी बनाया जा सकता है. अब ये थोड़ी सी आई थिंक इसको ज़रा गौर से देखिएगा. इसको हम कहते हैं बिल्डिंग एल्गोरिदम फॉर जेड बस. बिल्डिंग एल्गोरिदम फॉर जेड बस, इसमें क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाते हुए हमारे पास चार किस्म के केसेस आएंगे, फोर टाइप्स की ब्रांचेज आएंगी. फर्स्ट टाइप ये है से न्यू बस, रेफरेंस नोड से न्यू बस. यानी स्टार्ट ये है कि आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है, कोई आपके पास जेड बस नहीं. स्टार्ट में आपने एक इंपीडेंस लगाई रेफरेंस से, एक न्यू बस क्रिएट हुई. तो न्यू बस जब भी क्रिएट होगी तो आपका एक नया कॉलम, एक नई रो एड. और चूंकि ये रेफरेंस के साथ है तो उसमें सिर्फ ऑफ डायगनल वैल्यूज पे जीरो जीरो होगा और डायगनल वैल्यू के ऊपर आपकी वो इंपीडेंस होगी विच विल बी कनेक्टेड बिटवीन नोड टू दी रेफरेंस. ये एक टाइप है जिसमें हम न्यू बस क्रिएट करें. स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है क्या मतलब है, हमारे पास हैं तीन बसेस का नेटवर्क है. तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं, पहले जीरो से वन, फिर वन से टू, फिर टू से ग्राउंड, फिर टू से थ्री, फिर थ्री से वन.
तो जितना हम नेटवर्क क्रिएट करते जाएंगे जेड बस हमारी बनती जाएगी। इसमें जेड बस जो बनने की अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं विदाउट टेकिंग वाई बस, तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप बनती है, स्टेप बाय स्टेप। आप सिंपल एक नेटवर्क को देख कर जेड बस कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, उसी नेटवर्क को आप दोबारा क्रिएट करें विद जो स्टेप्स, देन यू कैन जनरेट जो जेड बस विदाउट टेकिंग वाई बस। ये पहला केस है। दूसरे केस में क्या है कि एग्जिस्टिंग बस हो और उससे एक न्यू बस बने। और पहले केस में भी न्यू बस थी, दूसरे केस में भी न्यू बस है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। द न्यू बस इन द फर्स्ट केस वाज कनेक्टेड टू ग्राउंड और रेफरेंस, इन द सेकंड केस न्यू बस इज कनेक्टेड टू अनदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस। अगर इस तरह क्रिएट होगी, आप एक नई बस बनाएंगे तो एक नया कॉलम, एक नई रो ऐड होगी, उसमें जो केस बस थी एग्जिस्टिंग बस जिसके साथ न्यू बस ऐड हुई है उसका कॉलम और रो रिपीट होगी। फिर क्या होगा, उसकी जो केथ वैल्यू है डायगनल वैल्यू, उसमें ये इंपीडेंस ऐड हो जाएगी। जेड के प्लस जेड बी विल बी द डायगनल वैल्यू एंड द ऑफ डायगनल वैल्यूज विल बी जस्ट द रिपीटेशन ऑफ द केथ कॉलम एंड द केथ रो। दीज आर द टू केसेस इन विच न्यू बस इज एडेड। व्हेन एवर द न्यू बस विल एडेड, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इट विल इंक्रीज। मैट्रिक्स ऑर्डर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वन न्यू कॉलम वन न्यू रो। अब जो थर्ड और फोर्थ केस है उसमें क्या होगा कि आपके पास न्यू बस क्रिएट नहीं होगी। आप ऑलरेडी बसेस के दरमियान, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बसेस के दरमियान इंपीडेंस कनेक्ट कर देंगे। अब ऑलरेडी बसेस जो हैं उसके अगेन फिर दो केसेस होंगे। एक होगी बस और रेफरेंस। बस और रेफरेंस वाली है तो पहले है रिपीट केस टू। केस टू में क्या है कि वो जो केथ है उसके साथ आप लगा के एक न्यू यानी आर्बिट्ररी तौर पे एक नया कॉलम और न्यू रो ऐड करते हैं और फिर उसी रो को आप रिमूव कर देते हैं बाय क्लोन रिडक्शन। अब आप जब क्लोन रिडक्शन के जरिए उसको रिड्यूस करेंगे तो उसका इफेक्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में ऑलरेडी शामिल होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है कि न्यू बस क्रिएट नहीं हुई। जब न्यू बस क्रिएट नहीं होगी तो बस मैट्रिक्स का ऑर्डर इंक्रीज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि टेम्परेरली उसका ऑर्डर इंक्रीज करते हैं, फिर क्लोन रिडक्शन के उस करके उसको वापस उसी ऑर्डर पर ले आते हैं। बट ड्यू टू क्लोन रिडक्शन उसका मैट्रिक्स की फॉर्म जो है वो तब्दील हो जाती है। ठीक है, अब ये थी एग्जिस्टिंग बसेस के दरमियान इंपीडेंस एडिशन, बट इन दिस बस एंड अदर वाज़ दी रेफरेंस नोड। इन द लास्ट केस दोनों ही एग्जिस्टिंग बसेस होंगी। अब केथ भी एक एग्जिस्टिंग बस है, जे भी एग्जिस्टिंग बस है, ये ऑलरेडी बसेस मौजूद हैं नेटवर्क में और नेटवर्क में अब आपने एक इंपीडेंस ऐड करनी है सच दैट दैट इस ऑर्डर डज नॉट इंक्रीज। तो इसका तरीका कार क्या है कि हम ऑर्बिटरली एक रो और कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, और उस रो और कॉलम इसमें कैसे ऐड होगा, इट विल बी द डिफरेंस ऑफ दोस टू बसेस, उन दो बसेस की जो रिलेटेड कॉलम्स और रोज हैं उन दोनों का डिफरेंस होगा। और फिर जो इसकी थेवेनिन इंपीडेंस होगी, जो डायगनल इंपीडेंस है, दैट विल बी गिवन एज द जेड जे जे प्लस जेड के, उन दोनों बसेस की डायगनल वैल्यूज की एडिशन माइनस टू टाइम्स देयर म्यूचुअल इंपीडेंस जो वैल्यू है वो होगी, दैट विल बी द डायगनल वैल्यू। एंड देन यू विल रिमूव बोथ कॉलम एंड रो व्हिच यू हैव क्रिएटेड आर्बिट्ररली बाय द क्लोन रिडक्शन। ठीक है, तो ये फोर टाइप्स हैं। अच्छा, ये टाइप शायद अभी आपको मुश्किल लग रही होगी, आई विल गो फॉर एन एग्जाम्पल। अब इसी एग्जाम्पल को जो हमने अभी सॉल्व की थी जिसमें हमने जेड बस ली है, इसी को हम स्टेप बाई स्टेप क्रिएट करते हैं विदाउट टेकिंग वाई बस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जेड वन जीरो, जीरो और वन के दरमियान जो इंपीडेंस है जे पॉइंट टू, इसको क्रिएट करते हैं। अब ये आपके पास केस है पहला, फर्स्ट केस इन विच यू आर क्रिएटिंग अ न्यू बस विद रेफरेंस बस। उसमें क्या होगा, आप सिंपल एक वन बाई वन का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होगी विच विद जे पॉइंट टू, ये स्टार्टिंग है और हर नेटवर्क की स्टार्टिंग ऐसे ही होगी। जीरो से वन के दरमियान जो आप इंपीडेंस लगाएंगे वो वन बाई वन मैट्रिक्स होगा एंड it will be the original value of 1 and 0. अब second case क्या है, हम जा रहे हैं 1 से 2, add branch 2, z 2, 0, अब ये 2 से 0 के दरमियान, यानी again reference से 2 bus। ठीक है, अब जरा देखें तो ये भी again पहला ही case है, reference से एक new bus create हो रही है। तो reference से जब new bus create हो रही होगी तो फिर क्या होगा कि original matrix जो पहले मौजूद था z 1, 1, वो उसी तरह मौजूद रहेगा, एक column ऐड हो जाएगी।
अब कॉलम और रो में आपने 0 0 ऐड करना है और इसकी एक डायगोनल वैल्यू आएगी व्हिच विल बी z2 एंड इट विल हैव वैल्यू व्हाट z11 जो यहां पे आपकी इंपेडेंस की वैल्यू है 0.4 दैट विल बी दी एडेड हियर जो 0 और 2 के दरमियान है. दिस इज अगेन केस 1, दोनों केस 1 है, 0 से 1 भी और 0 से 2 भी. अब नेक्स्ट केस देखते हैं. नेक्स्ट केस है हमारे पास, नेक्स्ट केस में हम क्या जा रहे हैं, ठीक है. सो देयर नो ब्रांचेस फ्रॉम अ न्यू बस टू रेफरेंस. अब रेफरेंस से जो कनेक्टेड थी वो दोनों ऐड हो गई हैं. नाउ वी कंटिन्यू विद रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ द ट्री. सो ऐड ब्रांच 3, 1 और 3 के दरमियान. अब जरा देखें कि 1 बस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, 3 न्यू आ रही है, 3 न्यू आ रही है. न्यू के वक्त एक नया कॉलम और एक नई रो ऐड होगी पुराने मैट्रिक्स में. पुराना मैट्रिक्स था j.200 j.4, वो ओरिजिनल एज इट मौजूद है. फिर उसके साथ राइट साइड पे एक कॉलम भी ऐड कर दिया और नीचे एक रो भी ऐड कर दी. तो कॉलम और रो कौन सी ऐड करनी है? वन के साथ जो अटैच होने वाली है j.20 दैट विल बी दी रो एंड द कॉलम विच विल बी रिपीटेड. ये दोनों रिपीट हो गए. अब वैल्यू आएगी डायगोनल की. सर ये z13 वाली समझ नहीं है सर, ये 0.4 है तो नीचे आपने z बस बना रखी है उसमें तो 0 डाला हुआ, वो 0.2 डाला हुआ. देखिए पहले आपका जो पिछला आपने मैट्रिक्स अभी बनाया है ना लास्ट उसमें वो आपका एज इट इज लिखा हुआ है 2x2 का मैट्रिक्स. 2x2 का मैट्रिक्स वही है j.200 j.4, यानी 1 1 पोजीशन, 1 2 पोजीशन, 2 1 और 2 2. ये आपने लिख दी. अब आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर इंक्रीज होना है. मैट्रिक्स का ऑर्डर इंक्रीज होना है तो एक कॉलम एक रो ऐड होगी. तो कॉलम में आप रिपीट कर देंगे फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम में था j.20 जहाँ तक था. अब नीचे वाली रो अभी ऐड नहीं हुई थी. कॉलम आपका j.20 ऑन द राइट साइड रिपीट हो गया. सिमिलरली नीचे रो जो है वो आपने ऐड करनी है, वही रिपीट करनी है फर्स्ट वाली j.20 और 0. तो रो और कॉलम जो है वो जो रिपीट हो रहे हैं वो 2x2 के लिहाज से रिपीट हो रहे हैं. yes, एक वैल्यू बच जाती है विच इज द डायगोनल वैल्यू. ठीक है, अब ये देखें ना हमने लव लिखा हुआ है राइट साइड पे z11 z21 z12. ठीक है, अब जो z33 है जो डायगोनल वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी z11 जिसके साथ ब्रांच कनेक्ट होने वाली है और ओरिजिनल वैल्यू जिस स्मॉल z के साथ लिखा हुआ है स्मॉल z13. अब जो कैपिटल के साथ लिखा हुआ है दैट इज द z बस एंट्री और जो स्मॉल के साथ लिखा हुआ दैट इज द एक्चुअल वैल्यू बिटवीन दोस बसेस. तो z11 वैल्यू की वैल्यू थी j.2, स्मॉल z13 थी j.4. उन दोनों को ऐड करें इट विल बी j.6. ठीक है, अब बस 1 भी आ चुकी है, बस 2 भी आ चुकी है, बस 3 भी आ चुकी है. तीनों बसेस आपकी आ चुकी हैं. तो अब बस न्यू क्रिएट नहीं, तो आपका जो ऑर्डर है वो इससे नहीं बढ़ेगा, 3x3 से ऑर्डर नहीं बढ़ना. लेकिन आपकी कुछ इंपीडेंसेज हैं जो अभी इस नेटवर्क के लिहाज से ऐड नहीं हुई, जैसा कि 1 और 2 के दरमियान इंपीडेंस है, 2 और 3 के दरमियान इंपीडेंस है. उन दोनों को अभी तक हमने इस मैट्रिक्स में शामिल नहीं किया. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स देम. थ्री ब्रांचेस आर इन प्लेस, वी नाउ प्रोसीड विद द लिंक ऐड लिंक फॉर दैट 1 2 1 2 के दरमियान. तो 1 2 के दरमियान इंपीडेंस लगाने का मतलब क्या है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बसेज हैं, बस 1 भी एग्जिस्ट कर रही है, बस 2 भी एग्जिस्ट कर रही है और उनके दरमियान हम एक ब्रांच ऐड करने लगे. अब इसमें क्या होगा कि एक्चुअली तो आपका ऑर्डर इंक्रीज नहीं होना, लेकिन हम टेम्परेरली ऑर्डर इंक्रीज करते हैं. टेम्परेरली ऑर्डर कैसे इंक्रीज करना है? वो 3x3 का जो मैट्रिक्स आपने ऊपर हासिल किया है वो एज इट इज रिपीट हो गया, वो 3x3 आपके पास आ गया है. फिर क्या होगा? जो बस 1 और 2 जिनके दरमियान लगने लगी है उन दोनों का आपने क्या लेना है? डिफरेंस लेना है. अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है z12 - z11 फोर्थ कॉलम में, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द सेकेंड कॉलम टू द फर्स्ट कॉलम. ठीक है, वो इस तरह रिपीट कर दिया. नीचे रो देखें तो वो भी यही है z21 - z11. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ख्याल रखना है, अगर कॉलम में आप 2 में से माइनस 1 कर रहे हैं ना तो रो में भी आपने 2 - 1 लिखना है. आप ये डिफरेंस यूँ भी कर सकते थे 1 - 2, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दें तो भी ये दुरुस्त है. बट सिमेट्री रखनी है, अगर कॉलम में 1 से 2 माइनस किया है तो रो में भी 1 से 2 माइनस करेंगे, अगर कॉलम में 2 से 1 माइनस है तो रो में भी 2 से
वन माइनस होगा, ठीक है। अब ये तो थ्री बाई थ्री के लिहाज से एक एक रो का डिफरेंस आ जाएगा। अब एक न्यू जो वैल्यू इसमें ऐड होगी वो है जेड फोर फोर, द डायगनल वैल्यू। तो डायगनल वैल्यू है ये कैसे ऐड होगी, इसमें पहले तो यह है कि वन और टू के दरमियान ऐड हो रही है, वन और टू की जो डायगनल वैल्यूज हैं वो दोनों ऐड होंगी, माइनस माइनस टू जेड वन टू म्यूचुअल वाली एंड प्लस स्मॉल जेड वन टू, स्मॉल जेड वन टू विच इज द ओरिजिनल वैल्यू जो कि अब हमारे मैट्रिक्स में इंक्लूड हो रही है, दैट इज जे पॉइंट एट जो स्टार्ट में लिखी हुई है, दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू जे जेड जे पॉइंट टू, फिर डायगनल वैल्यू इज वन वन टू टू एंड देन द माइनस टू टाइम्स द म्यूचुअल वैल्यू जो इंक्रीमेंट ट्रांसफर इंपीडेंस वैल्यू है वन और टू की, विच इज द जीरो वैल्यू हेयर इन दिस केस, इट विल हैव नो इफेक्ट। दिस इज जेड फोर फोर वन पॉइंट फोर। अब ये जो ये पॉइंट एट थी वन और टू के दरमियान वो ऐड हो गई हमारे मैट्रिक्स में, बट द प्रॉब्लम इज कि ये दो एग्जिस्टिंग बसेस के दरमियान थी, एक्चुअली आपका ऑर्डर जो है वो इंक्रीज नहीं होना, तो व्हाट विल यू डू नाउ। अब आप करेंगे क्रोन रिडक्शन, क्रोन रिडक्शन का मेथड आपने वाई बस में पढ़ा था, इसमें क्या है कि अब हम फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो को डिलीट करने जा रहे हैं, लेकिन डिलीट ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल इसको इरेज करना है, तो आपने एक नया थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें तमाम वैल्यूज न्यू कैलकुलेट होंगी, जेड वन वन न्यू विल बी इक्वल टू जेड वन वन ओल्ड माइनस जेड वन फोर जेड फोर वन डिवाइडेड बाई जेड फोर फोर। तो फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम अगर आप डिलीट करने जा रहे हैं तो जेड फोर फोर पिवट वैल्यू डायगनल वैल्यू विल है the most important value, और फिर वो आप formula use करेंगे क्रोन रिडक्शन का, and then you will solve it for the क्रोन रिडक्शन। तो क्रोन रिडक्शन के लिए जैसे ही आप इसको solve करेंगे, ये ठीक है, सो दिस इज नाउ क्रोन रिडक्शन। अब क्रोन रिडक्शन से अगेन 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब हो सकता ऐसा होता कि 3 और 2 के दरमियान इंपीडेंस होती ही ना, तो फिर यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, बट वी हैव 3 टू 2 थ्रू 3 और 2 के दरमियान भी एक इंपीडेंस है विच इज नॉट इंक्लूडेड जेट, उसके लिए फिर हम मजीद इसको दोबारा वही आर्बिट्रेरली एक इंक्रीज करेंगे 3 और 2 के दरमियान। तो अब 3 और 2 के दरमियान है तो डिफरेंस एक दफा कॉलम और रो का 3 और 2 का आएगा, तो वो आपने डिफरेंस डाल दिया, इस z44 पे वैल्यू क्या है जी, दैट विल बी z22 प्लस z33 माइनस 2 टाइम z23 एंड देन द एडेड द वैल्यू द ओरिजिनल वैल्यू z23 j.4 एंड दिस इज द वैल्यू z44 j.1.14, ठीक है। अब ये आपकी डायगनल वैल्यू आ गई, नाउ यू विल अप्लाई क्रोन रिडक्शन एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द z बस। अब ये जेड बस की वैल्यू वही होगी जो वाई बस का इनवर्स लेके आपने ली। बोथ मेथड्स एग्जिस्ट, आपको दोनों मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो वाई बस का इनवर्स लेके भी किया जा सकता है और जेड बस को इसका बिल्डिंग एल्गोरिथम के थ्रू भी किया जा सकता है। अभी बजाय आपको लग रहा होगा कि बिल्डिंग एल्गोरिथम वाला मेथड मुश्किल है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें बता लगाऊंगी। यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क था उसमें तीन बसेस थी और मेरे ख्याल में पांच ब्रांचेज हैं, पांच ब्रांचेज है ना, ठीक है। सो तीन बसेस हैं और फाइव हमारे पास ब्रांचेज हैं। अब वाई बस का जो इनवर्स है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बसेस, और जो जेड बस के स्टेप्स हैं दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रांचेस। अगर पांच ब्रांचेज हैं तो आपको पांच स्टेप्स पूरे करने होंगे, ठीक है, पांच स्टेप्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बसेस थ्री हैं तो वाई बस जो आप लेंगे वो थ्री होगा, थ्री बाई थ्री का होगा, उसका आपको वो लेना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट आपके पास टेन बसेस का नेटवर्क है, टेन बसेस का, तो वाई बस जो उस केस में बनेगी दैट विल बी टेन बाई टेन। अब आपको अगर जेड बस लेनी है तो आपको उस वाई बस का इनवर्स लेना है, 10 by 10 का आप इनवर्स लेंगे एंड देन यू विल कैलकुलेट जेड बस। अब 10 by 10 का इनवर्स आप हमने ध्यान में लाएंगे, आप 10 by 10 जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स लेने जा रहे हैं। अब उस 10 बसेस के जो नेटवर्क है उसमें मे भी हो सकता है 12 या 13 ब्रांचेज हो टोटल,
लाजमी नहीं है कि हर ब्रांच दूसरे से कनेक्टेड हो। हमारे पास जितना सिस्टम होते हैं उसमें मोस्टली एक ब्रांच किसी दूसरी बस से कनेक्टेड होती है, दो से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होती। अब अगर उसमें आपको जेड बस बनानी पड़े तो जेड बस के लिए 13 स्टेप्स होंगे, लेकिन वो 13 स्टेप्स आपको होपफुली आसान पड़ेंगे एज कम्पेयर टू द इनवर्स ऑफ वाई बस। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आपके पास ओवरऑल सर्किट की सिचुएशन कैसी है। यहाँ पे जो सिचुएशन थी इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट ब्रांचेस डबल हैं बसेस से, तो यहाँ पे हमारे पास जेड बस कैलकुलेट करना वाया एल्गोरिथम दैट इज बिट डिफिकल्ट, उसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, स्टेप ज़्यादा होंगे और फिर जितनी बसेस ज़्यादा, जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतनी दफ़ा आपको कदम रिडक्शन करनी पड़ेगी। ये बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि तीन बसेस थी और पांच ब्रांचेस, आपको दो दफ़ा कदम रिडक्शन करनी पड़ेगी। यही तीन बसेस हों और छः ब्रांचेज हों, मैं अभी तीन थ्री और जीरो के दरमियान एक बस लगा दें तो आपको एक और कदम रिडक्शन करनी पड़ेगी। क्लियर, जितनी ब्रांचेस बसेस से ज़्यादा होंगी उतनी दफ़ा आपको क्राउन रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो मुश्किल स्टेप इस एल्गोरिथम में वो क्राउन रिडक्शन वाला है। ठीक है, तो आपने अपने आप को खुद वहाँ पे विजुलाइज करना है कि देखें कि आपका इसमें कौन सा मेथड प्रेफर होता है। मेथड आपको दोनों होना चाहिए, आगे जाके आप यूज करें ना करें वो आपकी किस्मत है। ठीक है, सो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल करवा दी। अब मैं आपको एक एग्जांपल डायरेक्ट बुक से करवाता हूँ। तेरी स्लाइड भी शेयर कर देना सर। जी सर, जी मैं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। सर हमने पेपर में सर न्यूटन रॉ ऑप्शन की भी तैयारी की थी, उसका सवाल ही नहीं आया था कोई सवाल। न्यूटन रॉफ्सन विल बी इंक्लूडेड इन जो फाइनल मिड से 30% मिड से पहले वाला कोर्स में 30% शामिल होता है ना फाइनल में, तो वो आपका कोर्स हिस्सा है फॉर योर फाइनल। ठीक है, सेकंड क्विज और फाइनल दोनों का हिस्सा है वो। ठीक है, अब ये आपको मैं एक और मैट्रिक्स दिखाने लगा हूँ और हाँ जी, ये आपके स्टीवेंसन की बुक है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 उसमें पूरा ही जेड बस का है, बाकी किसी बुक में जेड बस के लिए अलग चैप्टर गिवन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक पार्ट के तौर पे इंक्लूडेड है इन योर फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट एनालिसिस में आप जाकर अगर देखेंगे फॉल्ट वाले चैप्टर में, वहाँ एक टॉपिक होगा बस इंपीडेंस मैट्रिक्स। बस इंपीडेंस मैट्रिक्स, अब बस इंपीडेंस मैट्रिक्स जेड बस होता है और बस एडमिटेंस मैट्रिक्स वाई बस होती है, एडमिटेंस और इंपीडेंस का फर्क। तो अब जरा ये सर्किट देखें, ये है फोर नेटवर्क, फोर बसेस का नेटवर्क और इसमें टोटल ब्रांचेस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ब्रांचेज हैं, 4 बसेज हैं। अगर आप इसका वाई बस देना चाहें तो वाई बस बना सकते हैं, वाई बस होगा 4/4 का और फिर उसका आप इनवर्स लेंगे दैट विल गिव यू दी जेड बस। अब अगर आप इसको डायरेक्ट एल्गोरिथम के थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं जेड बस, तो वो भी कैलकुलेट हो सकती है, उसमें आपको दो दफ़ा क्राउन रिडक्शन करनी पड़ेगी। और क्राउन रिडक्शन के बारे में यह है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल आप क्राउन रिडक्शन कर, आप कहेंगे सर वो कैसे, तो उसमें मैं आपको यहाँ पे सिमेट्री बता सकता हूँ कैसे हो सकती है। लेट के हम सबसे पहले तो 0 से 1 ही जाएंगे, 0 से 1 फिर हम चले गए लेट 1 से 2। ठीक है, तो 1 से 2 जाएंगे तो भी एक न्यू बस है, फिर चले जाएं 2 से 3, 2 से 3 भी चले गए तो न्यू बस है। अब 3 पे जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 3 से 4 एक न्यू बस क्रिएट कर लें, 2 से 4 न्यू बस क्रिएट कर लें, या दोनों न्यू बस क्रिएट हम ना करें बल्कि हम क्या करें 3 और 0 पे आ जाएं। तो 3 और 0 पे अगर हम फौरन आ जाते हैं तो हमारे पास क्लोन रिडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो एग्जिस्टिंग बसेस के दरमियान होगी, तो आपको क्लोन रिडक्शन एक अर्ली मिल जाएगी।
अर्ली क्लोन डिटेक्शन में क्या होगा कि आपके पास मैट्रिक्स कम होता है, छोटा होता है, तो उस पर आप क्लोन डिटेक्शन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 से 4 क्रिएट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, या 3 से 4, तो 4 बसेस आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, आप लगा रहे हैं 4 से 2 और 3 से 0, तो दोनों बसेस के लिए क्लोन डिटेक्शन लगानी पड़ेगी। तो फिर 4x4 से आप एक नेक्स्ट क्रिएट करेंगे 5th, और फिर 5th की जाके आप करेंगे क्लोन डिटेक्शन, इट विल टेक मच मोर टाइम। चलें अब जरा देखते हैं कि बुक वाले ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। सबसे पहले देखें कि 0 से 1 के दरमियान लगेगी, 0 से 1 ये 1.25 है, तो 1x1 का एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो ये उसने साथ में इधर से V1 और I1 लिखा हुआ है, यानी इसका ये मतलब है कि आप यूँ समझें कि एक ही बस का नेटवर्क है, यू कंसीडर जस्ट 1 बस का नेटवर्क है, बाकी बसेस एग्जिस्ट नहीं करती। उसका क्या मतलब होगा कि 0 से 1 है, तो 1 के दर का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी गिवन एज द करंट इंजेक्शन विच इज कमिंग इन टू द बस मल्टीप्लाइड बाई जेड बस इंटू वी, तो दैट विल बी दी V1 इज इक्वल टू जेड इंटू I1। ये थी जेड बस 1। अब है 1 से 2 के दरमियान, तो 1 से 2 के दरमियान क्या है, ये 0.25 कनेक्टेड है। जी जी बोले, 0.25 कनेक्ट है, ठीक है। सो 1 से 2 के दरमियान, ठीक है, अभी आप समझे पूरा अब नेटवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, 1 और 2 के दरमियान मजीद ऐड हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 वाली चीज रिपीट होगी, 1 वाला कॉलम। अब 1 वाला कॉलम से मतलब क्या है, आपके पास पहले था ही 1x1 का, ये 1.25 1x1 का था ना, उसकी रो भी यही थी, कॉलम भी यही था, तो सेकंड रो में इसको रिपीट कर दें और सेकंड कॉलम में, ठीक है। लेकिन डायगनल जो एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा कि उसमें जे 1.25 और जो न्यू आ रही है 0.25 वो ऐड होगी एंड इट विल बिकम जे 1.5। अब ये 2x2 का बन गया, तो ये 2x2 का जो नेटवर्क था 1 से 2 तक का, उसका जेड बस बन गई। अब थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में वो कर रहा है बस 2 से 3 की तरफ जा रहा है, एक अगेन न्यू बस क्रिएट हो रही है, तो इसका जो ऑर्डर है इट विल इंक्रीज। तो यू पहले तो आपने क्या करना है, एज इट इज रिपीट कर लेना है, ठीक है। तो 2x2 का ये आपका जो है ना रिपीट हो रहा होगा, ये देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये 2x2 का आपका रिपीट हुआ है एज इट इज कॉलम, ठीक है। ये 2x2 का जो आपका मैट्रिक्स था ऊपर वाला J1.25, 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 J1.5, दैट इज रिपीट है। अब इसमें थर्ड रो ऐड करनी है और थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम के जो वो आपने सिंपल क्या करने हैं, बस 2 के रिपीट कर देने हैं, क्योंकि बस 2 के साथ क्रिएट होने वाली है। बस 2 में देखें कि Z12 और Z22 ये दोनों कॉलम में रिपीट हो जाएंगे, Z21 और Z22 ये दोनों रो में रिपीट हो जाएंगे। तो ये आपके पास बस 3 की थर्ड कॉलम और रो की ऑफ डायगोनल वैल्यूज आ गई। अब रह गई डायगोनल वैल्यू, तो डायगोनल वैल्यू में क्या होगा, Z22 की वैल्यू देखें दैट इज J1.5, तो 2 के साथ ऐड हो रही है, तो 0.4 इज द न्यू वैल्यू, वो उसमें जब आप ऐड करेंगे इट विल बिकम J1.9, दिस इज द डायगोनल वैल्यू। J1.9 कैसे है फिर से बताना सर, Z22 क्योंकि 2 के साथ कनेक्ट हो रही है ना, तो Z22 J1.5 और जो न्यू बस की अपनी ओरिजिनल वैल्यू है, जो न्यू बस आप क्रिएट करने जा रहे हैं 2 और 3 के दरमियान, ये है 2 और 3 के दरमियान, थ्री के दरमियान देखें तो J0.4, ठीक है। और ये असल में आपका केस नंबर 2 है जिसमें न्यू बस क्रिएट हो रही है। अब 3 बसें आपके पास क्रिएट हो गई हैं, इन द न्यू बस 2, 3 इज बीइंग कनेक्टेड टू बस 2, आइटम दोनों ही एग्जिस्टिंग है, बस 3 भी एग्जिस्ट हो चुका है और रेफरेंस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है, तो एग्जिस्टिंग के दरमियान एक ब्रांच ऐड होनी है, तो ब्रांच तो न्यू ऐड होनी है लेकिन बस न्यू क्रिएट नहीं होनी, तो ओरिजिनल जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी 3x3। तो व्हाट विल यू डू, आप टेम्परेरी तौर पे एक नया कॉलम और एक नई रो ऐड, और इसमें क्या होता है कि 0 का तो कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए थर्ड जो कॉलम और थर्ड रो होगी वो रिपीट होगी ऑन ऑफ डायगोनल वैल्यूज,
लुक एट दिस J1.25, J1.5, J1.9 दैट इज द थर्ड कॉलम व्हिच इज रिपीटेड इन द फोर्थ कॉलम एज द ऑक्टेनल वैल्यूज और नीचे रो भी इसी तरह ऐड हो गई। अब आपके पास क्या है डायगनल वैल्यू, डायगनल वैल्यू में क्या होगा कि J1.9 Z33 ऑल जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, ओरिजिनल वैल्यू आ रही है J1.25 वो उसमें ऐड करें इट विल बिकम J3.15। अब इसमें ये चीज तो ऐड हो गई, ये आसान है, लेकिन अब आप अगला मरला क्या है, अब आपने क्लोन रिडक्शन करनी है। क्लोन रिडक्शन में आपको 3x3 का एक नया मैट्रिक्स चाहिए, नया मैट्रिक्स 3x3 का चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे Z11, Z22, Z33, Z34 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्थ वाला तो डिलीट होने जा रहा है, तो Z3 की जो न्यू वैल्यूज लेंगे दैट विल कम थ्रू दी क्लोन रिडक्शन। क्लोन रिडक्शन का जो फार्मूला वो आप इसके अप्लाई करेंगे और क्लोन रिडक्शन का ये फार्मूला था याद करें, ये मैं अब आपको जेड ये पहले डायगनल के लिख लें, Z11 लिखा हुआ है कि Z11 ओरिजिनल वैल्यू विच वाज J1.25 माइनस Z14 1.25 है और Z44 जो है वो दैट इज J3.15। अब ये आपने अप्लाई किया तो आपके पास न्यू वैल्यू आ गई Z11 की J0.75397। सिमिलरली आप नीचे भी अप्लाई करेंगे, अब लेट के ये एक ऑफ डायगनल वैल्यू की मैं मिसाल दे दूं Z23। अब Z23 जो होती है वो Z32 के बराबर होती है, यहाँ पे आपकी एक वैल्यू दो के लिए काउंट होगी, तो Z23 ओल्ड वैल्यू J1.5 माइनस Z34 और Z34 ठीक है Z24 और Z34 24 वैल्यू उसकी 1.5 है और 34 1.9 है डिवाइडेड बाय Z44, तो यहां से आपके पास ये न्यू वैल्यू आ गई। सो अप्लाई होल मैट्रिक्स पे आप अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस इज द क्लोन रिडक्शन वैल्यू ठीक है जेड बस। अब ये 3-2 रेफरेंस क्रिएट हो गया, 3-2 रेफरेंस वाली भी ऐड हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांचेज हैं उन दोनों में जिसमें भी जाएं 3 से 4 जाएं या 2 से 4 इन आइदर केस आपके पास एक नई बस क्रिएट होगी और आपका ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। उसमें ऑर्डर इंक्रीज करने के लिए क्या है, दैट यहाँ पे 3 से 4 जा रहे हैं तो थर्ड कॉलम थर्ड रो रिपीट होगी और Z33 में जो न्यू वैल्यू आएगी दैट विल बी एडेड और कोई क्लोन रिडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि इस दफ़ा आपके पास इंक्रीज होना ही होना है। फिर रह गई है 4 से 2 के दरमियान ब्रांच, 4 से 2 के दरमियान करेंगे तो 4 से 2 के दरमियान करते वक्त आपको इन दोनों का वो लेना है डिफरेंस, डिफरेंस लेके आपके फिफ्थ में जाके ये रिपीट होगी, तो दैट इज द डिफरेंस। डिफरेंस लेने के बाद आपकी जो डायगनल वैल्यू होगी वो कैसे आती है, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट। ये दो एग्जिस्टिंग बसेस के दरमियान, दो एग्जिस्टिंग बसेस उसके दरमियान क्या होता है कि Z22, Z44 इन दोनों की बसेस जो डायगनल वैल्यूज हैं वो ऐड होंगी माइनस टू जो इनके दरमियान इंपीडेंस वैल्यू है इन जेड बस वैल्यू एंड प्लस द ओरिजिनल वैल्यू। एक ओरिजिनल वैल्यू मींस के जो अब न्यू ऐड होने जा रही है ब्रांच ठीक है। अगर आप इसमें यूं समझे ना कि दो बसेस के दरमियान में से एक बस जीरो है रेफरेंस, तो वो उसी तरह का ही फार्मूला बन रहा है। रेफरेंस में क्या होता है जीरो, एक यूं समझे कि Z00 आ जाते हैं जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, टू Z0 वो भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फार्मूला एक जनरल फार्मूला है फॉर द एग्जिस्टिंग बसेस। रेफरेंस के केस में यहाँ पे ये थोड़ी सी कम हो जाती है जो कि आसान केस बन जाता है। तो वहाँ से ये वैल्यू ली, फिफ्थ कॉलम फिफ्थ रो आपने ऐड की एंड देन यू विल टेक दी क्लोन रिडक्शन एंड इट विल बी दी लास्ट विल बी दी रिजल्ट, इट विल हैव दी 4x4 वैल्यू ठीक है। अब लेट हमारे पास 2 से 4 अगर कोई ब्रांच ना होती, फॉर एग्जाम्पल 2 से 4 के दरमियान हमें ब्रांच ना होती तो पिछले ही स्टेप में हमारी बस जेड बस बन गई ठीक है। इसमें क्या है कि ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ये जेड बस का मेथड लॉन्ग हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा ब्रांचेस ज्यादा होने से। अगर ब्रांचेस कम हो तो फिर ये मेथड आसान है, फिर इस मेथड में कोई मुश्किल काम नहीं है। दैट क्लियर। अब इसमें क्या था कि बस थी 4 ब्रांचेस थी 6, तो जब भी बस से ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो उतनी टाइम का आपको क्लोन रिडक्शन करनी पड़ेगी, हमें दो दफा क्लोन रिडक्शन करनी पड़ेगी। अगर बस 4 होती और ब्रांचें 5 होती
एक ब्रांच जिसमें हम कहते हैं नहीं है लेट फोर से टू के दरमियान नहीं है, तो हमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रिडक्शन करनी होती है, वो जल्द से जल्द हम कर लेते, बाद में बाकी स्टेप्स तो आसान है, कितना मुश्किल काम ही नहीं है। ठीक है, अब ये इस लेक्चर को आप लोग रिवाइज कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे। जी जी बोलें, बेटा ये चीज अभी मैंने समझाई है कि जेड बस में जो वैल्यूज आपके पास अपीयर होती हैं दीज आर दी थेवेनिन वैल्यूज, जबकि वाई बस में जो वैल्यूज हैं वो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, वो थेवेनिन नहीं है। थेवेनिन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ती है इन फॉल्ट कैलकुलेशन, फॉल्ट कैलकुलेशन में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। वाई बस की एप्लीकेशन है इन लोड फ्लो और जेड बस की एप्लीकेशन है फॉल्ट एनालिसिस। जब हम आगे फॉल्ट एनालिसिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैं विदाउट जेड बस भी सॉल्व करूँगा सर्किट, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि जेड बस से भी वो सर्किट सॉल्व कैसे होता है। ठीक है जी, ये अटेंडेंस मैंने ले लिया जो इस वक्त बैठे हुए हैं। ओके सर, ठीक है, चलें फिर कल लैब के लिए मैं इंशाल्लाह एक मैनुअल शेयर कर दूंगा रात के वक्त या सुबह के वक्त, और फिर ये लेक्चर आपको अपलोड करता हूँ। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।